बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम फुल वेब रेक्टिफिकेशन के दो प्रॉब्लम्स एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स नंबर 30 और 31 को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए रिक्वेस्ट किया है बांग्लादेश से एक स्टूडेंट ने। तो आइए हम प्रॉब्लम नंबर 30 को पहले देखते हैं। यहाँ पे है स्केच V0 फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर। ये V0 है यहाँ पे, इसको हमने स्केच करना है यहाँ पे जो आउटपुट है, एंड डिटरमिन DC वोल्टेज अवेलेबल और जो इसकी इक्विवेलेंट DC वोल्टेज है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ को ले लेते हैं। जब पॉजिटिव हाफ लेंगे, आप यहाँ पे देख लें कि ये पॉजिटिव हाफ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट से शो कर दिया और जो रिवर्स बायस है उसको ओपन सर्किट से शो कर दिया। अब प्राइमरीली यहाँ से हम जब करंट लेके चलेंगे तो दो तीन रास्ते हैं यहाँ से मेन, तो यहाँ पे यहाँ के एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं करंट फ्लो करने के, हमें प्राइमरीली कंसर्न इसके साथ है। तो आइए अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे इस सर्किट को, वो देखते हैं। इसको हमने रीड्रॉ कर लिया, इसको ज़रा सा मैंने ओपन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, तो ये हो गया और ये करंट पाथ इसको, और इसको हमने अभी प्रोसेस करना है। तो अब इसको मैं उल्टा लूँगा, इस वाले बाजू को उल्टा के, तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं, इस बाजू को इधर लेकर आ गए। अब जब हम यहाँ लेकर आ गए तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अभी फॉर्म में हमें नज़र आने लगा, और इसको हम देखिए इन दोनों ग्राउंड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फाइनल सर्किट हमें कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद ये 2.2, ये 2.2, और इन दोनों को मिला के तो ये आम आ गया, यहाँ बीच पे ग्राउंड आ गया। हमें इंटरेस्ट किससे है, इस वोल्टेज से यहाँ पे जो है। अब हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देते हैं, हमारा इनपुट सिग्नल कितना है, 100 वोल्ट पीक, तो इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा। यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल से इस वोल्टेज को पता कर सकते हैं, और वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पता है कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2.2K + 2.2K और मल्टीप्लाई बाय जिसके क्रॉस हमने पता करना है 2.2K, तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट। आप चाहते हैं तो इसको सिंपली जबानी भी कर सकते थे कि 100 वोल्ट है और ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, तो 50 वोल्ट ऊपर होगा और 50 वोल्ट नीचे। बहरहाल V0 मैक्सिमम में 50 वोल्ट आ गया। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया फ्रॉम 100 50 वोल्ट आ गया। तो ये हमने पहले पार्ट पे हमने ये रिजल्ट हासिल कर लिया था। अब हम आ जाते हैं सेकेंड हाफ के लिए, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो तो सर्किट क्या इसमें तब्दीली आएगी, आप अब देखें कि यहाँ पे समझे नेगेटिव है, जैसे ये नेगेटिव हमने लिख लिया, जब यहाँ पे नेगेटिव हो तो ये डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा और ये रिवर्स। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अब हम ये कर यहाँ से करंट लेके चल रहे हैं, तो दो रास्ता है, एक ये हो गया और एक ये, तो इन दोनों को हम नीट करके ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। तो ये देखिए 100 वोल्ट इनपुट है यहाँ पे, और एक रास्ता ये है, इसको हमने ये ड्रॉ कर लिया और इस वाले रास्ते को इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। हमें इंटरेस्टेड है हम इस वाले वोल्टेज पे, तो जैसे हमने पहले किया था कि बाय वोल्टेज डिवीजन रूल 100 डिवाइडेड बाय ये 2.2 और मल्टीप्लाई बाय 2.2, या वैसे ही आप कर सकते हैं कि चूंकि ये बराबर है तो दो हिस्सा इसको कर लें तो ये 50 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो बहरहाल वी आउट 50 वोल्ट आ गया, और इसको हम इस तरह से हम प्लॉट कर लेंगे। तो सेकेंड हाफ के लिए भी ये पॉजिटिव 50 है, एक ये आपने गौर करना है। ऑल द इनपुट नेगेटिव 100 है, लेकिन चूंकि यहाँ से देखें करंट फ्लो करके यहाँ जा रही है और इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव वोल्ट ही हमें हासिल हो रहा है, तो पॉजिटिव शो करेंगे। तो अब फर्स्ट हाफ के ये है, सेकेंड हाफ के ये है, तो अब टोटल वोल्टेज हमारा जो है
वो इस तरह से आ गया। और ये आप देखें कि ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है और जो डीसी वोल्टेज है वो वीडीसी इज इक्वल टू 0.637 इनटू वीमैक्स इज इक्वल टू 0.637 इनटू वीमैक्स कितना है 50, तो ये हो गया 31.8 वोल्ट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे भी उसी तरह हमने आउटपुट वोल्टेज V0 चाहिए जो कि अब यहाँ पे है V0, ये ध्यान में रहे। और हमने फिर उसके बाद डीसी वोल्टेज भी मालूम करना है, डीसी इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट हाफ को अब हम ले लेते हैं। फर्स्ट हाफ ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और जब नीचे नेगेटिव हो तो ये फॉरवर्ड बायस। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, फॉरवर्ड बायस के लिए हमने शॉर्ट कर दिया और रिवर्स बायस वाले को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप करंट हम लेके चल रहे हैं यहाँ से, तो करंट इस ब्रांच में आने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो जा रही, एक ये और एक ये। हमने इसको ख्याल रखना है, इसके डायरेक्शन को। अब इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं नीट करके। तो इस तरह से हो जाएगा कि करंट यहाँ से आ रही है, तो जैसे यहाँ से 2.2, उसके बाद दो रास्ते हैं पैरेलल, एक ये और एक ये। तो हम इन दोनों को पैरेलल में हम शो कर देते हैं, 2.2 किलो एंड 2.2 किलो इन पैरेलल। अगेन जहन में रहे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो अब जब इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो ये 1.1 किलो हो गया। हमें ये वोल्टेज चाहिए। अब ये सर्किट हमारे पास बच गया। हमारा पीक वोल्टेज कितना है 170। तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम निकाल लेंगे, वीओ मैक्सिमम इज 170, ये टोटल 170 अप्लाई है, डिवाइडेड बाई ये दो रेजिस्टेंसेस 2.2 प्लस 1.1 एंड मल्टीप्लाई बाई जिसके क्रॉस हमें चाहिए 1.1, तो 1.1। तो ये हमारा आंसर आ गया 56.6 वोल्ट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह से अब हम आ जाते हैं सेकेंड हाफ साइकिल पे। सेकेंड हाफ साइकिल का मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो यहाँ जब अब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है और नीचे पॉजिटिव का मतलब ये रिवर्स बायस। तब हमने इसको फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अब अगेन हम करंट को देखते हैं, यहाँ से करंट चल रही है, ये जाके इसका दो हिस्सा हो रहा है, तो इसको भी हम इस तरह से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह से कि यहाँ से करंट आ रही है एक में से और उसके बाद इसका दो हिस्सा हो गया पैरेलल। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये 1.1 और 2.2। अब हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं ये वोल्टेज। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी हम बाई वोल्टेज डिवीजन रूल निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। तो 56.67 आ जाएगा और यहाँ पे भी वोल्टेज डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। आप ये देखिए ये करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव। यहाँ पे भी देखिए सेम डायरेक्शन, जो ऊपर वाले के डायरेक्शन जिस तरफ है, नीचे वाले में भी सेम डायरेक्शन है। तो ऊपर अगर हमने पॉजिटिव ड्रॉ किया था तो इसको भी हम पॉजिटिव ही ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को हम जब ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये दोनों हमारे पास आए थे, तो नेट वोल्टेज हमारा जो है वो उसकी शेप ये हो जाएगी। और ये अगेन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो फुल वेव रेक्टिफायर फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करके वी डी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर फार्मूला है 6.637 इंटू वी मैक्स। तो वी मैक्स हमारा जो है अभी पीक 56.67, तो आंसर हो गया 36.09 वोल्ट। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंचा है तो आप अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुंचाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।